साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले को हारने के बाद बीसीसीआई ने अचानक से विराट कोहली को दोबारा से तीनों फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त कर दिया है। दोस्तों, विराट कोहली ने पिछले दो महीने के अंदर में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी, मगर अब अचानक से कप्तान दोबारा से बन चुके हैं कप्तान कोहली। उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। पहले वनडे मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करते हुए 296 रन बनाए। सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान वेंडर दूसन ने 129 रन लगाए, तो वही कप्तान तेंबा बहुमा ने 110 रन की पारी खेली। शिखर धवन ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 79 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने 51 रन की पारी खेली, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 8 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 50 रन ठोक दिए। 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में 265 रन बना पाई और 31 रन कम रह गए, यानी कि भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा पहले वनडे मुकाबले में। उसके बाद दोस्तों, कप्तान कोहली की सभी भारतवासियों को, सभी क्रिकेट फैंस को याद आई और सभी का कहना बस एक ही था कि कप्तान कोहली को दोबारा से तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहिए, कि राहुल कप्तान सही नहीं है। दोस्तों, आप भी चाहते हो कि विराट कोहली दोबारा से भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।